हम इंडिया में मजदूरी के लिए गया था, वहाँ ऐसा हो गया कि काम बंद हो गया, फिर वहाँ भी घर लगाने की लगा दिया, तो अब चलते चलते दो दिन लग गया रास्ते में। अब हम पुल घाट में ऐसे ही बैठ के रहे, खाना भी एक टाइम मिल रहा है, ऐसे समस्या में है। अब क्या करना है इसके लिए, कोई नेपाल सरकार ने भी ऐसे बंद कर दिया, इसके लिए खोलना है। तो इस बार हमको नेपाल जाने देना था, इस भीड़ से तो और ज्यादा बीमारी फैल रहा है, इसके लिए ना अब एक बार नेपाल जाने के लिए रास्ता खुले दिए तो बहुत अच्छा था। हाँ हमारे तो क्या दे, हम पर कोटा खड़ी काम करते थे नासन भन्ना माथि बट त्यहाँ बट आयो, हमें दुई तीन दिन हिटेर, दुई दिन एक रात दुई दिन हिटेर, रात को रात दिन को दिन गरेर यहाँ बन्द भयो भने यहाँ पुग्यौं। यहाँ बट हामी अब यस्तो दुर्घटनामा जस्तै छौ, हामी पर चार पाँच सय जनता यहाँ लेबर भइसक्यौं। हम घर जानको अब जसरी पनि हामी यहाँबाट नेपाल पास गर्नलाई हामी आतुरीमा छौं, र जसरी पनि हामीलाई नेपाल पास गर्दिन अनुरोध गरिन्छ नेपाल सरकार। मेरो घर कुतुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बैतडी जिल्ला। हाम्रो नेपाल सरकारले हामी माथि अत्याचार जस्तो लागिरहेको छ, किनभने हामी चाहिँ इन्डियाको छिमेकी देश इन्डियामा गएर भारत सरकारको वहाँ गएर चाहिँ लेबरी गर्न गयो। लेबरी गरे पनि भारत सरकारले खाना लाउन ए सो दिए तापनि हाम्रो नेपाल सरकारले आजसम्म यो ढोका नखोल्ने कुन कति कारण हो? यस सम्बन्ध नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलो कदम उठाउनु उहाँलाई विनम्र अनुरोध छ। मेरो नाम कमल सिंह धामी, नौगाड 4 सिटी। हाम्रो नेपाल सरकारले जसरी भए पनि हामीलाई नेपालतर्फ नेपालको ढोका खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। जसरी हामी काम गर्न भनी भारतको जलजी विषय आगे बरम भन्ने ठाउँमा गएका थियौँ, त्यहाँबाट पैदल चल्दा चल्दा 1.5 दिन भइसक्यो, र यहाँ आउँदाखेरि सुत्नलाई पनि त्यतिकै छ, रोडमा सुत्या छौँ, हामीलाई धेरै समस्या परेको छ। जसरी भए पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यहाँको व्यवस्था मिलाएर त्यो ढोका चाहिँ छिटो खोलिदिनु होला उहाँलाई अनुरोध। आफ्नो जनता फिर्ताले, 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 आफ्नो जनता फिर्ताले, 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 आफ्नो जनता फिर्ताले, 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 नेपाल नाका खुल्ला गर, खुल्ला